हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए आज राम ग्यारह है मैं खड़ा हूँ, जो कि यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है। काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। चलते हैं जो ऊपर मंदिर के, देखते हैं कितना अच्छा मंदिर है। देखिए जो कि यहाँ पर ग्यारह गांव जो है ये मऊरानीपुर से काफ़ी आगे पड़ता है। देखिए ग्यारह गांव में खड़ा हूँ अभी मैं। देखते हैं शंकर जी का मंदिर, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है जो कि पहाड़ के पास बना है। चलते हैं देखते हैं मंदिर के पास। देखिए मंदिर के ऊपर जाने की रास्ता है, चलते हैं मंदिर के पास। देखते हैं भाई, काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, ऊंचाई पर है। देखिए काफ़ी सीढ़ियां भी है यहाँ पर। ये ग्राम ग्यारह गांव में है इस समय, जो कि मऊरानीपुर से आगे पड़ता है, बंगरा के पास है ये। और अब चलो मैं आप देखिए मंदिर के पास हूँ मैं। ये परिक्रमा का राउंड बना हुआ है ग्राउंड, काफ़ी अच्छा मंदिर है। देखिए पत्थर ही पत्थर का मंदिर पूरा बना हुआ है यहाँ पर। देखिए देखिए मंदिर की डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। पूरा मंदिर पत्थर ही पत्थर से बना हुआ है। देखिए आप, ये ग्राउंड है मंदिर का, काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। देखिए एक रास्ता यहाँ से भी है मंदिर को आने के लिए। देखिए आप, ये कितने हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। देखिए मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, जो कि पूरा मंदिर पत्थर ही पत्थर से बना है। ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। देखिए इस मंदिर कितना अच्छा मंदिर है, ये परिक्रमा बना हुआ है। चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं, काफी अच्छा मंदिर है। देखिए बहुत पुराना भी मंदिर है ये। देखिए भाई मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है। देखिए पूरा मंदिर पत्थर से ही बना हुआ है। देखिए किस तरह बनाया गया है इस मंदिर को, पूरा मंदिर पत्थर से ही पत्थर से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है ग्राम ग्यारह में। यहाँ भी देखिए कितना पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए काफी अच्छी मूर्तियां बनी हुई हैं। देखिए गेट भी पत्थर का ही बना हुआ है पूरा। देखिए आप, पूरा पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है इस मंदिर में। देखिए यहाँ का दरवाजा लॉक है, जो कि अंदर शंकर जी का मंदिर है। थोड़ा आपको दिखाते हैं पास से, अगर
देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए आप, काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है शिवलिंग जी का। देखिए आप, भोले बाबा शंकर जी का मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है, ग्राम 11 में। चलते हैं मंदिर के बाहर, थोड़ा और देखते हैं कुछ। काफी अच्छा हरा भरा लग रहा है यहाँ पर। देखिए काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा है, माता जी का मंदिर है आगे चल के। देखते हैं, चलते हैं वहां पर। देखिए कितनी अच्छी रास्ता है, हरा भरा लग रहा है, काफी पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, छाई भी है बहुत ही अच्छी। देखिए कुछ यहाँ पर भी मूर्तियां रखी हुई है। चलते हैं मंदिर के पास, काफी ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। देखिए पहाड़ी पहाड़ है। ये देखिए यहाँ का गेट है, छोटा सा लगा हुआ है यहाँ पर गेट। कितना अच्छा हरा भरा लग रहा है। देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलते हैं मंदिर के पास। देखिए अभी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ बनी हुई है, काफी ऊंचाई पर मंदिर है। चलते हैं धीरे धीरे मंदिर के पास। देखिए पेड़ पौधे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। देखिए मैं धीरे धीरे मंदिर के पास आ चुका हूँ। काफी ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। चलते हैं, थोड़ा और रह गया मंदिर के पास जाने में। तो देखिए भाई मैं मंदिर के पास आ चुका हूँ, जो कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है। एक ग्राम 11 में बना हुआ है, जो कि मऊरानीपुर से आगे पड़ता है, भड़रा के पास पड़ता है।
देखिए जी, बंगरा के पास पड़ता है मऊरानी, झांसी जिला में, जो कि काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है। चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए काफी अच्छा मंदिर है ये। देखिए पहले मैं आपको पैकर्मा लगा दूँ। ये देखिए पैकर्मा है जो लगाने के तो उनके लगाते हैं पैकर्मा। देखिए आप, ये देखिए लोग यहाँ पर हता भी लगाने आते हैं। देखिए काफी सांगंग वगैरह रखी हुई है यहाँ पर, काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। ये देखिए नीचे का है, जो कि छोटा सा गांव है नीचे। देखिए ये पैकर्मा है पूरा जो मैंने आपको दिखाया है। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए भी, अच्छा है। देखिए मैं मंदिर के पास ही आ चुका हूँ, जो कि बहुत अच्छा मंदिर है। देखिए यहाँ पर भी अच्छा है कुछ। देखिए भाई मैं 11 गांव में हूँ इस समय, जो कि देखिए गौरी माता जी की तस्वीर है। देखिए यहाँ पे महाराज भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी यहाँ की सिद्धि भी है इस मंदिर की। देखिए आपको पास जाके दिखाऊँ। देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है दादा, काफी पुराना मंदिर होगा ये। हाँ। वैसे कितने साल हो गए होंगे? बहुत चंदेले के जमाने को अब ना अच्छा निर्माण होगा। हाँ हाँ, वो तो निर्माण तो होता रहता है ना, तो चंदेले के जमाने के। अच्छा अच्छा, मंदिर पुराने। देखिए भाई आपको आज मैंने दिखाया है मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसी तरह हम वीडियो डालते रहते हैं।